छोटे बच्चों को नजर लगना आम बात हो चली है। ऐसे में कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिनको करने से बुरी नजर दूर हो जाती है। बच्चों को अक्सर बुरी नजर से बचाने के लिए परिजन पुराने जमाने से चले आ रहे उपाय को करते हैं। जब बच्चों को बुरी नजर लगती है तो घर में इस्तेमाल होने वाला नमक और लाल मिर्च बच्चे के ऊपर से घुमाकर आग में डाल दी जाती है, जिससे बच्चे को लगी बुरी नजर खत्म हो जाती है। इस बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। वह बताते हैं कि जब बच्चों को बुरी नजर लगती है तो पुराने जमाने से चले आ रहे उपाय किए जाते हैं, जिसमें नमक और लाल मिर्च को 7 बार बच्चे के ऊपर से घुमाकर आग में डाल दिया जाता है, जिससे नजर दोष खत्म हो जाता है। इस काफी पुराने उपाय के बारे में और क्या कुछ कहते हैं पंडित श्रीधर शास्त्री, सुनिए। जैसा कि समाज में प्रचलित है, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए समाज में बच्चों को नजर न लगे, इस प्रकार के कई उपाय करते हैं सभी, परंतु नमक और साबुत लाल मिर्च का क्या प्रभाव है यह हम बताना चाहते हैं। जैसा कि जो नमक और लाल मिर्च है, घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि अगर बच्चे को कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है नज़र का, तो नमक और साबुत मिर्च को अग्नि में डाल देते हैं और सात बार घुमा करके बच्चे के ऊपर, जिससे कि इस उपाय के करने से बच्चे को किसी प्रकार की बुरी नज़र का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और बच्चा सुरक्षित रहता है। जो ये नज़र दोष है, इसका क्या लक्षण है? जैसा कि जिस बच्चे के ऊपर नज़र लगी है उसको बार बार स्वास्थ्य की गड़बड़ी रहेगी और वह बच्चा विचलित रहेगा और सामान्य दिखाई नहीं देगा। उसको हम देखने से लगता है कि इस बच्चे को नज़र लगी रही है, सामान्य रूप से इसका व्यवहार नहीं है। तो इस प्रकार का जब हम सोचते हैं तो इससे बचने के लिए बच्चे की सुरक्षा हेतु जो बड़े बुजुर्गों के जो उपाय हैं, जो परंपरा चली आ रही है हमारे समाज में, तो साबुत मिर्च और नमक को हम अग्नि में, जलती हुई अग्नि में डालते हैं और इस प्रभाव से बच्चे के ऊपर होने वाला जो दुष्प्रभाव है वह दूर हो जाता है और बच्चा सुरक्षित रहता है।